गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मायसेल्फ जनसर किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9। इन लास्ट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड 9.1 में चैप्टर सम नंबर 6। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सम नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड From the point on a ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter height building are 45 angles or 60 angles respectively. Find the height of the tower. तो ये एक टावर है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक जो एंगल है वो 45 का यहाँ पर हो रहा है और एक जो 60 का एंगल है वो यहाँ पर हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो टावर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये जो ए बी ए सी, ए सी हमारा क्या है, टावर है, ध्यान रखो। तो हियर ए बी इज़ अ ट्रांसमिशन टावर, बी सी इज़ द बिल्डिंग एंड बिल्डिंग, बी सी क्या है, बिल्डिंग है और ए बी क्या है, टावर है। And D is a point of observation of the ground. Then triangle ABD, ACD, sorry, BCD, इसमें C क्या है 90, D 45 और BC 20 मीटर है। इन ACD C 90 है एंड D 60 है। नाउ इन ट्राइंगल BCD C 90, तो 10D is equal to BC by CD, तो 1045 इज इक्वल टू 20 बाय सी डी। सो 1045 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 20 बाय सी डी, तो सी डी की वैल्यू हो गई 20। सी डी कितना हो गया 20। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में सी 90 है, तो 10D इज इक्वल टू ए सी बाय सी डी, तो 1060 इज इक्वल टू ए सी बाय 20। तो ए सी इज इक्वल टू 20 बाय अंडर रूट 3 मीटर। नाउ हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ टावर ए बी, तो ए सी माइनस बी सी, तो 20 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 20, 20 कॉमन ले लिया, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। थस द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। नाउ सी द नेक्स्ट सम, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल। तो यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर स्टैचू लगा है, स्टैचू हमारा ए बी है। यहाँ से हम देखेंगे ये पेडेस्ट्रियन है, वहाँ से हम अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं बी पॉइंट, तो 45 का एंगल बनता है। सी ए देखते हैं तो कितना, 60 का एंगल बनता है। तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी हाइट। तो हियर ए बी इज़ अ स्टैचू, ए बी क्या है, स्टैचू है, बी सी इज़ अ पेडेस्ट्रियन एंड डी इज़ अ पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राउंड, जहाँ से हम ऑब्जर्व करें वो पॉइंट है डी। देन ट्राइंगल बी सी डी, सी 90 है, डी 45 है। ट्राइंगल ए सी डी, सी 90 है, डी 60 है। मोर एवर ए बी इज अ हाइट ऑफ द स्टैचू 1.6 मीटर। ओके, सपोज हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर। नाउ इन बी सी डी एंगल सी 90, तो 10D इज इक्वल टू बी सी बाई सी डी, तो 10D की वैल्यू 1, x बाय सी डी 1045 एक्स बाय सी डी, उसकी वैल्यू 1 है सी बाय एक्स बाय सी डी, तो सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। नाउ ट्राइंगल ए सी डी, सी 90 है, 10D ए सी बाय सी डी, 1060 ए सी बाय एक्स, 1060 की वैल्यू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए सी बाय एक्स, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, तो ए बी 1.6 है, ए सी इज इक्वल टू 3 बाई एक्स माइनस एक्स करेंगे,
तो एक्स कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू 1.6 डिवाइड अंडर रूट 3 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1.6 डिवाइड अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड अंडर रूट 3 प्लस 1। ओके, तो एक्स इक्वल 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड 2, एक्स की वैल्यू 0.8, 1.6 का होगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1 ये मीटर हो गया। थस द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ओके, नाउ सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हियर ये देखो एक है कि ए बी, ए बी क्या है, टावर है। ठीक है, एंड सी डी, सी डी इज अ बिल्डिंग, ये टावर है ये बिल्डिंग है। ठीक है, अभी ये बिल्डिंग से हम नीचे देखते हैं तो 30 का एंगल होता है, ये बिल्डिंग के नीचे से हम ये टावर के ऊपर देखते हैं तो 60 का एंगल होता है। ओके, सो बी 90 है, एंगल डी 60 का है। ओके, एंड ए बी 50 मीटर है, ट्राइंगल सी डी बी, इसमें एंगल डी 90 का है और बी 30 का है। ट्राइंगल ए बी डी, इसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90, टेन डी इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, टेन 60 इक्वल टू 50 बाई बी डी। सो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50 बाई बी डी, सो बी डी इज इक्वल 50 बाई अंडर रूट 3 मीटर। अगेन इन ट्राइंगल सी डी बी डी 90, टेन बी सी डी बाई बी डी, टेन 30 सी डी बाई बी डी, बी डी की वैल्यू 50 बाई अंडर रूट 3, 10 30 इक्वल 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल सी डी बाई 50 बाई अंडर रूट 3, तो सी डी इज इक्वल टू 50 बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1 बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर का 3 हो जाएगा, तो सी डी इज इक्वल 16 2 बाई 3 मीटर। थस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16 2 बाई 3 मीटर। नाउ टू पोल्स, दो पोल्स है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी क्या है, पोल है। ऑफ द इक्वल हाइट, दोनों की हाइट सेम, आर स्टैंड्स अपोजिट, दोनों अपने सामने खड़े ईच अदर इन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो लेंथ है उसकी वो क्या है 80 मीटर हाइट है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। अभी एक एंगल से देखते हैं तो 60 का एंगल बनता है और वही पॉइंट से दूसरी साइड देखते हैं तो 30 का एंगल बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पोल। ओके, और ये डिस्टेंस फाइंड, ये टोटल 80 है लेकिन यहाँ से ये कितना और ये कितना फाइंड आउट करना है। तो हियर ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स इक्वल हाइट, बी डी इज द वेंथ ऑफ द रोड, ई इज द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रोड, देन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू बी 90, ई 60, डी 90, ई 30। Moreover, BD is the width of the road 80, BE is equal to X, so DE is equal to BD minus BE, yani 80 minus X. Also let AB is equal to CD is equal to H, triangle ABE, B is equal to 90, 10 E, AB divide BE. 10 60, H by X, under root 3. इज इक्वल टू एच बाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 3 मीटर, ये हुआ 1। नाउ ट्राइंगल सी डी ई, डी 90 है, 10 ई सी डी बाई डी ई, 10 30 एच बाई 80 माइनस एक्स, 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच बाई 80 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एच, एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस अंडर रूट 3 एच, ये हुआ सेकंड। अभी एक्स की वैल्यू हमने सामने रख दो तो एच बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80 माइनस अंडर रूट 3 एच। अभी ये जो 3 एच है वो सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एच और 3 एच यानी 4 एच इज इक्वल टू 80 माइनस अंडर रूट 3, तो एच की वैल्यू 4 से डिवाइड होगी तो 20 अंडर रूट 3। सो एक्स इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 3, तो एक्स की वैल्यू 20 अंडर रूट 3 और डिवाइड अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 चला जाएगा, तो x की वैल्यू 20 मीटर हुई। एंड 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20 यानी 60। थस द हाइट ऑफ द ईच ऑफ द पोल इज
under 20 under root 3 and distance of the point of the observation from the pole. ओके एक साइड है 20 और दूसरी साइड को होगा 60. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है जिसमें टोटल 16 सम दिए हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको 11 सम कराए, बाकी आपको अपने आप करना है. फिर भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.